राजधानी शिमला स्थित ऐतिहासिक स्केटिंग रिंक में स्केटिंग शुरू होने के लिए इस बार थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हर साल 10 दिसंबर के आसपास स्केटिंग शुरू हो जाती थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इस बार थोड़ा और इंतजार करना होगा। 15 दिसंबर को आइस स्केटिंग क्लब की ओर से ट्रायल शुरू करने की कोशिश थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इसमें अभी एक दो दिनों का इंतजार बढ़ गया है। स्केटिंग क्लब की ओर से कहा गया है कि मौसम का साथ रहा तो एक से दो दिनों में आइस स्केटिंग रिंक में ट्रायल शुरू हो जाएगा। आज हमारा बेसिकली प्लान था कि ट्रायल दे देंगे और स्केटिंग कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन आज जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम खराब है, मौसम खराब होने की वजह से आज हम ट्रायल नहीं दे पाए। तो अगर विद इन अ डे और टू मौसम ठीक हो जाता है तो दो दिन में स्केटिंग हम शुरू कर देंगे। टार को हमने प्रपोजल दिया हुआ है और इसको काफी टाइम हो गया इस प्रोजेक्ट को पाइपलाइन में, लेकिन अब इस साल हमारे को लग रहा है इस बार ये प्रपोजल जो है हमारा हो जाएगा, क्योंकि टेंडरिंग मोड पे पहुंचने वाला है प्रोजेक्ट। उसमें ये पूरा क्लब जो है ये आर्टिफिशियल रिंक में कन्वर्ट करना है ताकि ऑल वेदर स्केटिंग हो पाए। ऐसे में खराब मौसम होने की वजह से ट्रायल नहीं हो पाया। आने वाले एक से दो दिनों में ट्रायल शुरू होगी। बता दें कि यहां से आइस हॉकी में दो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जा चुके हैं। मल्होत्रा ने बताया कि लंबे समय से इस क्लब की मांग आर्टिफिशियल रिंक बनाने की रही है, ताकि यहां हर मौसम में स्केटिंग करवाई जा सके। प्रपोजल टेंडर प्रक्रिया तक पहुँच गया है, ऐसे में उन्हें जल्द उम्मीद है कि जल्द ही इस बार काम होगा और शिमला आइस स्केटिंग क्लब को भी आर्टिफिशियल रिंक मिल सकेगा। बता दें कि शिमला के लक्कड़ बाजार में स्थित आइस स्केटिंग रिंक एशिया का पहला ओपन एयर रिंक है, जहां आज भी प्राकृतिक रूप से बर्फ जमाई जाती है। इस रिंक को 1920 में अंग्रेजों ने बनाया था, तब से लेकर हर साल यहां पर सर्दियों में प्राकृतिक रूप से बर्फ जमा कर स्केटिंग करवाई जाती है। रिंक में स्केटिंग करने को लेकर खासकर बच्चों को साल भर से इंतजार रहता है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।